एजु हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारा जो कंसेप्ट था वो चल रहा था, बड़े एंगल्स के वैल्यू हम कैसे निकालेंगे उसको हम पढ़ रहे थे। चलो उसको हम आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ पे देखो, ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक थीटा पॉजिटिव है, यहाँ पे टेन और कोट थीटा पॉजिटिव है, और यहाँ पे कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव है। बाकी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। हमने चतुर्थांश पहचानना सीख लिया था कोई भी एंगल का। अगर पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे और नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर हम कुछ वैल्यू निकालना चाहें तो देखो, हमने 90 माइनस थीटा तो कर लिया था, चेक कर लिया था, हमने देख लिया था। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है साइन 90 प्लस थीटा, अब इसमें देखो क्या करना पड़ेगा। माइनस में तो फर्स्ट चतुर्थांश में आता था तो उसमें हमेशा पॉजिटिव होता था, जो आपने टेंथ में देखा है। अब यहाँ पे देखो 90 प्लस थीटा, तो ये जो एंगल है इसको आपको देखना पड़ेगा कि ये कौन से चतुर्थांश में जा रहा है। तो 90 प्लस थीटा, थीटा मान लो 0 से और 90 डिग्री के बीच का कोई एंगल है, ये यहाँ पे गिवन मान सकते हैं आप, ये इसके बीच का कोई एंगल है। तो ये देखो 90 प्लस थीटा किस में जाएगा, 90 से तो ज़्यादा है, इसका मतलब इसमें तो रहेगा नहीं और पॉजिटिव है, तो इस डायरेक्शन में चलेगा, तो इसमें आएगा, सेकंड चतुर्थांश में आएगा। और सेकंड चतुर्थांश में अब ये देखना होगा कि साइन क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, सबसे पहले तो पॉजिटिव आएगी, लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखो, अगर कहीं पे यहाँ पे 90 आता है, 90 प्लस आता है या फिर माइनस आता है, जो आपने पिछले में देखा था, तो उसके लिए क्या कर दोगे आप, साइन को कोस में चेंज कर दोगे, कोस को साइन में, टेन को कोट में और कोट को टेन में चेंज कर दोगे, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में। तो ये क्या बन जाएगा आपका, साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ पे तो प्लस आ गया है, और ये साइन का कोस थीटा बन गया है। नेक्स्ट देखो, साइन के अलावा यहाँ पे अगर कोस आता है आपका, कोस 90 प्लस थीटा, तो इसमें भी यही काम करना पड़ेगा कि ये एंगल कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, ये आपको चेक करना है। तो चेक करते हैं, 90 प्लस थीटा वो तो हमें परमानेंट पता है, इसमें भी देख लिया था, वही उसी में आएगा। तो दूसरे में, अब दूसरे में देखो कि ये जो वाला है, ये कोस, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव दूसरे चतुर्थांश में। तो यहाँ पे देखो ये दोनों पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव है। तो इसके आगे क्या लगा दोगे, नेगेटिव, और यहाँ पे 90 है तो इसको कोस को किस में चेंज कर दोगे, साइन माइनस साइन थीटा, ये बन जाएगा। यानी कि इसकी जो वैल्यू है इसके बराबर रहेगी माइनस थीटा के। तो इसको हम इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी वैल्यू हमें पता लग जाएगी। अगर थीटा क्या है, 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, यानी कि 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस 45 135, कोस 135 की वैल्यू जो है माइनस साइन 45 के बराबर होगी, और ये क्या हो जाएगी, माइनस 1/2। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, टेन 90 प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेन 90 प्लस थीटा, वही दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में टेन नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव, और यहाँ पे 90 है तो टेन इसमें कोट चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में। नेक्स्ट है आपका कोट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा देखो ये क्या हो जाएगा, वो देखना है, कोट दूसरे में क्या है, दूसरे चतुर्थांश में नेगेटिव है, इसका मतलब इसके आगे भी नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे देखो 90 है तो इस कोट को किस में चेंज कर देंगे, टेन में, टेन थीटा। अब देखते हैं सेक थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, ये भी दूसरे में, और सेक दूसरे में क्या है, वही नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेक इसमें 90 की वजह से ये सेक आपका उस सेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा, ये बच गया है आपका। अब यहाँ पे कोसेक 90 प्लस थीटा क्या बन जाएगा आपका, कोस देखो ये सेकंड में, कोसेक सेकंड में क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव, लगाने की जरूरत नहीं है, और कोसेक 90 के कारण किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। तो ये बन गए 90 प्लस थीटा वाले टाइप के। अगर यहाँ पे जैसे कि 135 हुआ तो हम उसका चेंज करके 45 में और ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेके बता देता हूँ आपको, क्या निकालना है, साइन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये सब क्यों कर रहे हैं, ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, साइन 135 को ये लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री।
लिख सकते हैं कि नहीं, लिख क्या है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है आपका, कहाँ गया साइन 90 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाता है आपका कोस थीटा। यानी देखो कौन से चतुर्थांश में आ रहे हैं, दूसरे में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और ये 90 की डिग्री के कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसमें चेंज हो जाएगा ये कोस में, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कोस, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 45, तो ये 45, और कोस 45 की वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी टेबल से देख करके 1/√2, तो हमारे पास साइन 135 डिग्री की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है 1/√2। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस के भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो अब मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, कुछ वैल्यूज आपको निकालनी है, और वो वैल्यूज क्या है जो आपका होमवर्क रहेगा आज का, वो है आपको निकालना है साइन का, मैंने निकाल दिया है, तो कोस 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, टेन 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कोट 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और सेक 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, और कोसेक 135 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है। पांच छोटे छोटे क्वेश्चन आज के लिए है आपसे, जो कि आपको घर पे एक बार प्रैक्टिस करना है। चलो अभी हमने देखे 90 प्लस थीटा वाले फॉर्मूले देखे, ये भी एक तरीके से फॉर्मूले ही हैं, चाहे आपको वैसे याद रख लेना चाहे एज ए फॉर्मूला याद रख लेना, एज ए फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको एक बार समझ में आ जाएगा पैटर्न। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत जरूर हो रही होगी लेकिन बहुत जल्द आ जाएगा, बस आप यहाँ पे ध्यान रखिए और जो मैं बता रहा हूँ वो काम करते रहिएगा। जैसे कि अभी मैंने होमवर्क दिया, वो होमवर्क एक बार घर पे कर लेना, उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे अब हम लेते हैं साइन, अभी देखो क्या देखा था हमने, 90 माइनस देखा था पहले, तो 90 माइनस थीटा वाले, अब 90 प्लस वाले देख लिए, उसके बाद में देखो हम पहुंचते हैं 180 डिग्री पे। साइन 180 माइनस थीटा टाइप का अगर कुछ को आता है तो उसका क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखो साइन 180 माइनस अगर आएगा तो देखो कौन से चतुर्थांश में है, चतुर्थांश देखो 180 माइनस 180 कहाँ तक आएगा, यहाँ तक 180 माइनस का मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में आएगा, और सेकंड में देखो साइन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू तो क्या आएगी सबसे पहली बात तो पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू है ये पॉजिटिव तो आगे लगाने की जरूरत नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखो 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री और 360 डिग्री के ऊपर हम यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, ये जो साइन है तो ये साइन ही रहेगा, इसको किसी में भी चेंज नहीं करेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए कोस 180 डिग्री माइनस आपका थीटा है, तो यहाँ पे देखो ये भी कौन से में है, सेकंड में, सेकंड में है, तो कोस सेकंड में क्या होता है यहाँ पे देखो नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव तो आपका आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो 180 होने के कारण यहाँ पे हम कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल 90 के ऊपर चेंज करते हैं कोस को, साइन बदलते हैं लेकिन 180 के ऊपर सेम ही रहेगा आपका, तो माइनस कोस थीटा ये बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं टेन 180 माइनस थीटा अगर आता है तो यहाँ पे देखो सेकंड में टेन क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी आएगा नेगेटिव टेन थीटा बन जाएगा आपका। उसके बाद में हम पहुँचते हैं कोट 180 माइनस थीटा के ऊपर, तो ये भी क्या रहेगा देखो सेकंड में कोट क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ कोट थीटा बन जाएगा। उसके बाद में sec थीटा, sec 180 माइनस थीटा क्या बन जाएगा देखो सेकंड में sec क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, सेकंड में sec नेगेटिव होता है यानी कि माइनस, और ये क्या बन जाएगा sec थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे 180 के ऊपर, इस बात का आपको भी ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका cosec 180 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कोसेक क्या होता है देखो कोसेक पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो कोसेक पॉजिटिव कोसेक थीटा यहाँ पे बन गया है आपका, तो ये बन गए आपके छह फॉर्मूले। अब देखो इन पे भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ एग्जांपल कैसे करेंगे, तो हमारे पास अगर कोई भी क्वेश्चन है सेम ही ले लेते पिछले वाला ही, साइन 135 डिग्री है इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको नहीं इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी, कितना लिख सकते हैं 180 माइनस लिख सकते हैं क्या 45, हाँ ठीक है, इसको देखो क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा
जाएगा 180 के फॉर्म में, तो यहाँ पे बन गया साइन 180 माइनस 45, 135 होता है। अब देखो ये वाला फॉर्मूला देखो आप, साइन 180 माइनस 4 ये कोई थीटा है तो क्या आता है आपका सेम ही आता है, चाहे फॉर्मूला लगा लो चाहे वही जैसे फॉर्मूले हमने देखे हैं या प्रूफ किए हैं, ये कौन से में जा रहा है, सेकंड में जा रहा है, क्योंकि 180 माइनस 45 करेंगे तो कितना आएगा 135 है, सेकंड में जा रहा है, और सेकंड में साइन क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव आएगा और 180 के कारण कोई चेंज नहीं होगा साइन में, तो साइन क्या आ जाएगा ये 45, और साइन 45 की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स 1/√2। एक और बता देता हूँ मैं, टेन वाला बता देता हूँ, यहाँ पे देखो टेन 135 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं टेन 180 माइनस 45 डिग्री। अब देखो कौन से चतुर्थांश में है, सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में टेन क्या होता है यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका नेगेटिव, और यहाँ पे 180 के कारण कोई चेंज नहीं है टेन, और ये क्या बन जाएगा आपका 45, टेन 45 की वैल्यू आपको पता है स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगी माइनस तो चल ही रहा है, टेन 45 की वैल्यू रख दीजिए 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी टेन 135 डिग्री की माइनस 1। अपने लास्ट में भी यही क्वेश्चन निकाले थे, यानी कि साइन 135 बाकी कोस टेन सेक कोसेक और ये सब कुछ की वैल्यू आपने इसी से निकाली थी, और ये वैल्यू भी आप दो तरीके से, यानी कि इसकी वैल्यू दो तरीके से आप निकाल पा रहे हो। अब दोनों तरीकों को आप मैच करके देख लेंगे कि अगर दोनों तरीकों से सेम आ रहा है तो आपका तरीका सही है। स्टार्टिंग में कुछ गलतियाँ होंगी इसमें, माइनस प्लस की गड़बड़ आएंगी, लेकिन आप जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाओगे आपसे ये गलतियाँ होना बंद हो जाएंगी। तो इसमें भी जो बाकी बच गए हैं आपको जो वैल्यू है, जो अभी मैंने होमवर्क दिया था थोड़ी देर पहले, उसी होमवर्क को इस मेथड से भी 180 वाले में चेंज करके भी आपको घर पे उनकी वैल्यूज निकालनी है। 10 मिनट का आपका होमवर्क है, उससे ज़्यादा का नहीं है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे।